पक्षों के बीच नॉन कंपीट एग्रीमेंट भी साइन होगा। तो बता दें आपको बड़ी खबर इस वक्त, लगातार आपको जानकारी हम दे रहे हैं, सोनी पिक्चर्स जी एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स इंडिया के बीच विलय का ऐलान। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने विलय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। विलय के बाद भी पुनीत गोयनका एमडी एंड सीईओ बने रहेंगे। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट विलय के बाद $157.5 करोड़ निवेश करेगी। तो विलय के बाद सोनी एंटरटेनमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगी। दोनों पक्षों के बीच नॉन बाइंडिंग टर्म शीट साइन किया जाएगा। मौजूदा स्थिति में आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। विलय के बाद भी कंपनी भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड होगी। दोनों पक्षों के बीच में नॉन कंपीट एग्रीमेंट भी साइन होगा। बता रहे हैं आपको विलय और नए निवेश के बाद कैसे बदलेगी हिस्सेदारी। मौजूदा स्थिति में जील के शेयर होल्डर्स का हिस्सा 61.25% होगा। 157.5 करोड़ निवेश के बाद हिस्सेदारी में बदलाव होगा। इस निवेश के बाद जील के निवेशकों का हिस्सा करीब 47.07% होगा। दोनों पक्षों के बीच में नॉन कंपीट एग्रीमेंट भी साइन होगा। विलय और नए निवेश के बाद कैसे बदलेगी हिस्सेदारी, यही हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मौजूदा स्थिति में जील के शेयर होल्डर्स का हिस्सा 61.25% होगा। साथ ही आपको बता दें निवेश के बाद जील के निवेशकों का हिस्सा करीब 47.07% होगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, दोनों पक्षों के बीच में नॉन कंपीट एग्रीमेंट भी साइन होगा। विलय और नए निवेश के बाद हिस्सेदारी कैसे बदलेगी। मौजूदा स्थिति में जील के शेयर होल्डर्स का हिस्सा 61.25% 157.5 करोड़ निवेश के बाद इस तरह का बदलाव। निवेश के बाद जील के निवेशकों का हिस्सा हम आपको बता रहे हैं किस तरह से जो बदलाव आया है, यानी जी एंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया का विलय। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने विलय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है और विलय के बाद भी पुनीत गोयनका एमडी एंड सीईओ बने रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, जी एंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के बीच विलय का ऐलान हुआ है। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने विलय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। विलय के बाद भी पुनीत गोयनका एमडी एंड सीईओ बने रहेंगे। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट विलय के बाद $157.5 करोड़ निवेश करेगी और निवेश की रकम का इस्तेमाल ग्रोथ के लिए किया जाएगा। विलय के बाद सोनी एंटरटेनमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगी। दोनों पक्षों के बीच नॉन बाइंडिंग टर्म शीट साइन किया गया। 90 दिनों के भीतर दोनों पक्ष ड्यू डिलिजेंस का काम करेंगे। विलय के बाद भी कंपनी भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड होगी। दोनों पक्षों के बीच में नॉन कंपीट एग्रीमेंट भी साइन होगा। विलय और नए निवेश के बाद कैसे बदलेगी हिस्सेदारी। मौजूदा स्थिति में जी के शेयर होल्डर्स का हिस्सा 61.25% होगा और इसके साथ ही $157.5 करोड़ निवेश के बाद हिस्सेदारी में बदलाव आएगा। निवेश के बाद जील के निवेशकों का हिस्सा करीब 47.07% होगा। सोनी पिक्चर्स के शेयर होल्डर्स का हिस्सा 52.93% रहने का अनुमान है। बड़ी खबर आपको बता रही है, जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने विलय